हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्ञानेंद्र मिश्रा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ हिस्ट्री के ऊपर। आज मैं आपके लिए 10 हिस्ट्री के क्वेश्चंस लाया हूँ, और आपको क्या करना है कि मेरे आंसर बताने से पहले आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका आंसर आपको नीचे लिखना है, ठीक है? तो हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर लॉर्ड माउंट बेटन? लॉर्ड माउंट बेटन के बाद हमारा जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल? देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ है उसके बाद की बात की जा रही है। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे जो थे वो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के थे, तो उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर बात हो रही है कि उनके बाद जो भारतीय गवर्नर जनरल बने हैं वो कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल भी नहीं थे, ये तो प्रधानमंत्री थे हमारे। और सी राजगोपालाचारी इज द राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको पता ही है, ये हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, आप चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को देख सकते हैं। ये 1947 में आज़ादी हमको मिली है, और उसी समय 1948 में, 21 जून 1948 को ये गवर्नर जनरल बने थे, और 1950 तक ये रहे। उसके बाद, 1950 के बाद ये गवर्नर जनरल का जो पद होता है वो खत्म कर दिया गया है, ठीक है? तो ये हमारे प्रथम भारतीय एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है? उसके बाद से, 1950 के बाद से तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये सब होने लगा। गवर्नर जनरल का जो एक डेजिग्नेशन है वो खत्म ही कर दिया गया पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड। चौरा चौरा एक जो एक इंसिडेंट हुआ था उसके बाद गांधी जी ने क्या सस्पेंड किया था? सिविल डिसोबीडियंस, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या क्विट इंडिया मूवमेंट? आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए, वो क्या रहा था कि उस समय 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग, आपको सबको पता ही होगा कि जनरल डायर ने सबको, एक जलियांवाला एक स्थान है पंजाब में, वहां पर सबको एक साथ रखा और सबके ऊपर खुलेआम गोलियां चला दी, और उसमें छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, सबको मार डाला गया बहुत ज्यादा। वो एक बहुत ही मैसेक्रे है वो, एक तरह का। तो उससे काफी लोग जो है, लोगों में आक्रोश आ गया था। तो उस कारण से जो है, हमारे जो गांधी जी जो है उस समय, वो असहयोग आंदोलन उस समय चला था, और जलियांवाला बाग के कारण से लोगों में आक्रोश आ गया, और लोग जो है किसी एक पुलिस स्टेशन में गए, जो कि चौरा चौरा नामक एक स्थान है, वहां पे पुलिस स्टेशन में गए, और वहां पुलिस स्टेशन ने आग लगा दी, जिसके कारण से बहुत ज्यादा ये मार्केट में ये बात आई, और गांधी जी को बहुत ही इसको बुरा लगा, क्योंकि गांधी जी तो हमेशा नॉन वायलेंस के प्रेमी थे। अब यहाँ पर इन्होंने वायलेंस कर दिया, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन जो था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसको यहाँ पर उन्होंने ब्रेक कर दिया। आप ये देख सकते हो कि ये है चौरी चौरा स्थान, ये जो है कहाँ पे है, ये हमारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? ये मैप में आप यहाँ से देख सकते हो, यही वो स्थान है जहाँ पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनसी हैज पास्ड द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन इन 1920 एट इट्स सेशन हेल्ड एट। इंडियन नेशनल कांग्रेस को आईएनसी बोलते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक नॉन कोऑपरेशन के लिए 1920 में एक फेमस रेजोल्यूशन पास किया था, वो किस सेशन में? देखिए, हर हर साल इनका सेशन होता था आईएनसी का, तो लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कौन से सेशन में? ऐसा आंसर है आपका, तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आंसर है कैलकटा सेशन। कैलकटा सेशन में 1920 वाले जो कैलकटा सेशन हुआ था, उसमें ये डिसाइड हुआ कि हम नॉन कोऑपरेशन को फाइनल करेंगे। आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, और ये नॉन कोऑपरेशन कब टूटेगा? ये नॉन कोऑपरेशन जब चौरी चौरा कांड हत्याकांड हो जाएगा, तो महात्मा गांधी जी ये नॉन कोऑपरेशन को यहीं से टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, ये है लाला लाजपत राय। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गए, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 का जो पास हुआ था, ये कलकत्ता सेशन में, उसमें उस समय उस टाइम के वो प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? वेरी कॉमन क्वेश्चन, आई होप आपको ये पता ही होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ही है। रिसेंटली इसी साल SSC सीजन में पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंसर है आपका दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, और इनका एक बहुत ही फेमस एक और क्वेश्चन इनसे बनता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ
ये थ्योरी जो है वो किसने दी, तो वो भी आंसर आपका दादा भाई नरोजी ही है। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ दादा भाई नरोजी किस तरह से दिखते थे। पहले आप इसको टिक कर लीजिए, आंसर है आपका दादा भाई नरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दादा भाई नरोजी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से थे ये, और ये बेसिकली ये क्या थे, ये पारसी थे, ठीक है, गुजरात साइड के थे, और ये 1825 से मुंबई में इनका जन्म हुआ और 30 जनवरी 1917 मुंबई में खत्म हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय स्टैंड्स फॉर, सर्वोदय क्या है? सर्वोदय ये गांधी जी का एक पत्रिका समझ लीजिए, एक पत्रिका थी जिसमें गांधी जी लिखा करते थे, वो उसमें किसके लिए लिखा करते थे? तो ऑप्शंस हैं आपके पास, टोटल रिवोल्यूशन, नॉन कोऑपरेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल एंड नॉन वायलेंस। तो आंसर है इसका अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, क्योंकि गांधी जी जातिवाद और भेदभाव से बहुत ही ऊपर थे, और समाज में उस समय जो कुरीतियां थी, जो छुआछूत और ऊंची ऊंच नीच जाति वाला जो प्रथा था, जो कि बहुत ही घृणित है, उसके लिए गांधी जी ने बहुत काम किया है, और वो उसमें अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल की बात कहते हैं, मतलब समाज के हर एक वर्ग का जो प्रोग्रेस है वो होना चाहिए, वो ऐसा कहते हैं, और ये सर्वोदय का असली मीनिंग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें लोगों से नॉर्मली गलतियां हो ही जाती हैं। नॉर्मली लोग मोहम्मद अली जिन्ना को बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना और अब्दुल कलाम आजाद, ये दो लोग जो हैं ये बेसिकली बहुत फेमस कहलाते हैं ये मुस्लिमों को लीड करने में, तो लोग नॉर्मली इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर चुन लेते हैं, लेकिन वो आंसर गलत हो जाता है। आंसर है आपका बदरुद्दीन त्यागजी। याद रखिएगा, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? वो थे बदरुद्दीन त्यागजी। तो आइए चलिए इनको देख लेते हैं किस तरह दिखते थे। ये हैं हमारे बदरुद्दीन त्यागजी, ये हमारे जो अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तीसरे नंबर पे यही बने हुए थे। अब आपको क्वेश्चन कमेंट में बताना है कि पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का क्या नाम था, पहले प्रेसिडेंट का क्या नाम था? आई होप आपको पता होगा और आप इसको कमेंट में जरूर इसका आंसर देंगे। तो ये थर्ड थे और मुस्लिमों में मुस्लिम पहले मुस्लिम थे जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायर्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई सारे एक्ट्स हैं, सनवाइज उसको बांटा गया है, 1909, 1935, इस तरह से कई कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना हुआ है। तो उसमें आपको बताना है कि डायर्की किस में इंट्रोड्यूस की गई थी। डायर्की का एक कॉमनली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप अंग्रेजों ने क्या कहा कि आप एक काम करिए, आपको हम इलेक्शंस के लिए आपको कहेंगे, आप अपना स्टेट संभालिए, आप अपना देखिए, लेकिन हम ही मेन रहेंगे, सेंटर पे हम ही रहेंगे। तो ये थी डायर्की की, ये इसी तरह के दोहरा शासन प्रणाली टाइप का ऐसा कुछ, तो ये था डायर्की। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1909, ये हुआ था 19 सॉरी सॉरी कहाँ चला गया ये है। तो ये आपका हुआ था 1990 में, ये आपका डायर्की वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये मॉर्ले और मिंटो ये लोग आए थे और इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, ये हमारे उस समय के जो मॉर्लो हैं, ये मॉर्लो हैं आपके जो सेक्रेटरी होते थे ब्रिटेन के, वो इंडिया में वो मॉर्ले थे, और ये मिंटो उस समय के टेम्परेरी जो वो कंटेम्परेरी गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास। कौन सा ऐसा सन है जिसमें हाई कोर्ट जो है कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास का एस्टैब्लिश हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1935, 1919, 1892, 1861। तो आंसर इसका है 1861, आंसर है इसका 1861। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो थ्री प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, चेन्नई जो कि मद्रास में है, मद्रास जो है चेन्नई में, बॉम्बे जो कि मुंबई में, और कलकत्ता जिसका जो अब कोलकाता हो गया है, यहाँ पर हाईकोर्ट बनाए गए थे, और ये 26 जून 1862 में बने थे। और ये जो एक्ट है, हाईकोर्ट एक्ट की बात करें तो हाईकोर्ट एक्ट है 1861। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है हाईकोर्ट एक्ट
1861। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। ये बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर लोग गलती कर ही देते हैं। तो आंसर है आपको, ऑप्शन आपके पास सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट। इसका आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे बताइए। चलिए अच्छा मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर है एनी बेसेंट। कई लोग यहाँ पर आंसर बता रहे होंगे सरोजनी नायडू, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट वुमेन। अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन लिखा होता तब आंसर होता सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन थे, लेकिन यहाँ पर दिया है फर्स्ट वुमेन, तो INC की जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी वो है एनी बेसेंट। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो, ये एनी बेसेंट है, ठीक है, और ये है हमारी सरोजनी नायडू जी। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने स्लाइड बनाई थी, ये मैं ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कराना चाहता था, लेकिन कुछ टेक्निकल कुछ इश्यूज आ गए थे, जिसके कारण से मैं ऐसे ऑनलाइन आपको लाइव सेशन में ये क्वेश्चंस आंसर मैंने राउंड नहीं कर किया, बट स्टिल मैंने इस स्लाइड को आपको ऑफलाइन माध्यम से प्रोवाइड कर दिया है। आपको आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।